स्वागत है आप सभी का। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपके साथ मैं हूं अंजलि मुद्गल। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ और गुरुग्राम से बड़ी खबर दे दे आपको राजनीति से जुड़ी हुई। कांग्रेस नेताओं में एक बार फिर से आपसी गुटबाजी नजर आई है। अपने वर्चस्व को लेकर आपस में कांग्रेस के दो पूर्व मंत्री उलझ गए। कैप्टन अजय यादव और सुखबीर कटारिया की जुबानी जंग कैमरे में कैद हो गई। सरकार का विरोध करने पहुंचे कांग्रेस नेता आपस में ही उलझ गए। रोहतक में हुए लाठीचार्ज के विरोध में उपायुक्त को ज्ञापन देने आए थे ये लोग, लेकिन खुद ही आपस में उलझते नजर आए। प्रोटेस्ट में सामने आई है कांग्रेसियों की गुटबाजी की तस्वीरें। रोहतक में हुए किसानों के लाठीचार्ज मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन आज प्रदेश भर में किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यपाल के नाम जिला उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपने का सिलसिला जारी है हरियाणा के अलग अलग जिलों में, लेकिन गुरुग्राम में आपसी कलह कांग्रेस पार्टी की एक बार फिर से खुलकर सामने आई है। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय और पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया आमने सामने हो गए, सरेआम भिड़ गए। दोनों नेता कार्यकर्ताओं के बीच खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने लगे, अपने अपने समर्थकों के साथ लड़ाई में शामिल हुए। मिनी सचिवालय की ये तस्वीरें हैं जहां नेताओं की तू तू में कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सहयोगी माने जाते हैं पूर्व खेल मंत्री सुखबीर कटारिया, जिनके कैप्टन अजय यादव के साथ देखिए किस तरह से बहसबाजी हुई। नोकझोंक कई देर तक दोनों कांग्रेसी नेताओं के बीच इसी तरह से चलती रही। कितने साल रहे हो? मैं तो हूँ 40 साल से राजनीति। कितने साल रहे हो? मैं तो हूँ 2 महीने 40 साल से राजनीति। और देखिए ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर देख पा रहे हैं। सरकार का विरोध किस तरह से करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन आपस में ही भिड़ने लगे कांग्रेस के दो दिग्गज वरिष्ठ नेता। गुरुग्राम की हैं ये तस्वीरें। अब ये तस्वीरें सवाल भी उठाती है। देखिए सवाल इसलिए उठाती है कि राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं आप, पूर्व में मंत्री रहे हैं, क्या ये शोभा देता है आपको? आपस में इस तरह से वर्चस्व की लड़ाई अगर ये नेता लड़ेंगे तो फिर कैसे बाकी दलों का एक साथ मिलकर सामना करेंगे? इस पर मेरे साथ सीधे जुड़ गए हैं विनोद लांबा हमारे संवाददाता। विनोद का रुख करेंगे। विनोद, शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ दिग्गज नेता हैं, आपस में लड़ते हैं, क्या समझा जाए इस लड़ाई को देखकर? देखिए दोनों ही सीनियर लीडर्स हैं और सरकार में मंत्री पदों तक रहकर उन्होंने तमाम जो पोस्ट हैं वो भी देखी हैं। सुखबीर कटारिया की बात की जाए या कैप्टन अजय सिंह यादव की बात की जाए, अब ज्ञापन सौंपने गए हैं रोहतक में लाठीचार्ज में, जिस सरकार का आप विरोध कर रहे हैं, जिस सरकार पर आप सवाल उठा रहे हैं कि किसानों ने जिस तरह से विरोध किया था और सीएम के हेलीकॉप्टर के लैंडिंग के वक्त जो घटनाएं हुई थी रोहतक में, उसका आप विरोध करने जा रहे हैं। लेकिन विरोध के तरीके में ही देखें और विरोध में ही देखें कि आपस में विरोधाभास है और आप यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार ज्ञापन कौन सौंपेगा, और उसी लिए एक चौधर की लड़ाई कहा जाता है हरियाणा। चौधर की लड़ाई कैमरों पर अगर कैद हो जाएगी तो कांग्रेस को खुद देखना होगा कि सरकार से जो सवाल पूछते हैं, प्रशासन से जो सवाल पूछते हैं, आपके दो लीडर्स एक मौके पर एक छत के नीचे या फिर कहें कि एक कॉज के लिए इकट्ठे होकर नहीं जा सकते, तो आप बाकी को किस तरह से सरकार को और या फिर बीजेपी को निशाने पर लेंगे, जबकि खुद ही आप इतने सीनियर लीडर होने के बावजूद भी इस तरह की नौबत भी आई थी। हालांकि हाथापाई नहीं हुई है इन तस्वीरों में, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह से मूवमेंट बना था और हाथापाई से भी कोई बहुत दूर नहीं थी ये तस्वीरें, तो ये तस्वीरें साफ तौर पर बताती हैं कि कांग्रेस को और कांग्रेस की वर्किंग में साथ साथ कांग्रेस के इन नेताओं को अपनी वर्किंग की और सुधार करने की और ये देखने की जरूरत है कि आखिरकार ये मैसेज देना क्या चाहते हैं।
बिल्कुल, और एक बहुत गलत संदेश इन तस्वीरों के जरिए, और ये हास्यास्पद भी है, क्योंकि बीजेपी को घेरने के लिए गए थे। क्या बीजेपी वाले इन पर सवाल नहीं उठाएंगे कि भाई आप अपने आप को तो संभाल लीजिए, पहले अपनी पार्टी को तो संभाल लीजिए, एकजुट हो जाइए, उसके बाद हमें घेरिएगा। किस तरह का एक संदेश जनता के बीच, बाकी राजनीतिक दलों के बीच? ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ, उससे पहले भी गुटबाजी की तस्वीरें, कांग्रेस पार्टी के भीतर अंतरकलह की तस्वीरें कई बार खुलकर सामने आ चुकी हैं। विनोद, देखिए, जिस ऑब्जर्वर्स के रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की बात चल रही है, वहां ऑब्जर्वर्स जब पहुंचे थे चरखी दादरी में पानीपत से, वहां हरियाणा के एक दो डिस्ट्रिक्ट से भी इस तरह की खबरें आई थी कि ऑब्जर्वर्स जब फीडबैक लेने गए और ये देखने गए कि जो ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए थे जिला अध्यक्ष बनाने के लिए हरियाणा कांग्रेस का कौन सा कार्यकर्ता उपयुक्त है, वहां भी ऐसे आपसी विरोध की तस्वीरें सामने आई थी। और यही तो बीजेपी कहती है कि हम पर सवाल उठाने से पहले आप देखिए आपका संगठन कहां है और आप कितने यूनाइटेड हो। और ये सवाल लगातार उठता है कि हरियाणा कांग्रेस को लेकर कि आखिर हरियाणा कांग्रेस है कहां, कितने गुट हैं? शैलजा का गुट अलग है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट अलग है, कैप्टन अजय सिंह यादव अपनी सुविधा के हिसाब से एक अलग मुकाम रखते हैं और उन्हें आला कमान पर भी तमाम बैठकों के लिए बुलाया जाता है। इसके अलावा आदमपुर की बात कर लें, पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे की बात कर लें, कुलदीप बिश्नोई की बात कर लें, उनका एक अपना गुट है। तो ऐसे ही 4 से 5 गुटों में लगातार कांग्रेस बटी हुई नजर आती है, टिकट बंटवारे से लेकर तमाम मुद्दों पर। लेकिन यहां आप सरकार पर सवाल उठाने जाते हैं, एक पार्टी की वर्किंग पे सवाल उठाने जाते हैं, आपके खुद की जो तस्वीरें आप जनता को दिखा रहे हैं वो अपने आप में आपको आईने के सामने खड़ा करके पूछती है कि आखिरकार आप एक छोटे से इवेंट में भी यूनाइट होकर एक डीसी को ज्ञापन नहीं सौंप सकते, वहां भी आपको यह तय करना है कि पहले कौन जाएगा या जिस भी वजह से लड़ाई होगी कौन सीनियर है कौन जूनियर है, तो बाकी सरकार और तमाम चीजों पर सवाल आप कैसे उठाएंगे? बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं है किरकिरी पहली बार हुई, अक्सर इस तरह की किरकिरी कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस की होती नजर आई। विनोद, आप बने रहिए, क्योंकि पूरी बहसबाजी, पूरी जो बातचीत हुई है वो हमारे पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाते हैं। तो देखिए किस तरह से पूरी विवाद की, पूरी बहसबाजी की शुरुआत हुई। दोनों ही नेता अपने अपने समर्थकों के साथ यहां पहुंचे थे। दरअसल रोहतक में जो कुछ हुआ, मुख्यमंत्री जब पहुंचे थे कार्यक्रम के लिए, किसानों की तरफ से किस तरह से गिरफ्तार किया गया था, किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसके विरोध में, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज प्रदेश भर में हल्ला बोल रही है, और गुरुग्राम से ये तस्वीरें सामने आई हैं। और मेरे साथ फोन लाइन पर पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया जुड़ गए हैं। कटारिया जी, स्वागत है आपका जी मीडिया पर। सबसे पहले आपकी तस्वीरें सामने आई हैं अजय यादव के साथ झड़प की, क्या हो गया था ऐसा वहां पर, ऐसा क्यों कि एकजुट नहीं नजर आते हैं आप लोग? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, कमाल है, हमारे सीनियर हैं वो, ऐसे तो ये बेकार की मनगढ़ंत वो मत बोलो आप भाई। कोई सर, हम कुछ नहीं बोल रहे, जो तस्वीरें सामने आई है, जो कैमरे में तस्वीरें कैद हुई है वो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, हम अपने आप से नहीं बना रहे हैं खबर। नहीं नहीं मैडम, कोई ऐसी कोई बात नहीं, मतलब ये तो बेकार की बातें हैं। हम किसानों की बात करने गए हैं, किसानों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उनको देखो ना आप, तो उनको देखो बेचारे, उनको लाठीचार्ज किया उनके ऊपर, वे बेचारे इतना सीनियर आदमी उसको लट्ठों से मार दिया। तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा सच्ची की पार्टी है। नहीं, वो सब ठीक है सुखबीर जी, आप लोग गए इसीलिए थे, लेकिन आपस में आप लोगों की किस बात को लेकर लड़ाई हो गई? नहीं नहीं, कोई लड़ाई नहीं, तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं, आप कुछ और कह रहे हैं। नहीं नहीं, कोई लड़ाई नहीं, हम अपने गए थे वहाँ, अपने ज्ञापन बड़े आराम से उपायुक्त महोदय ने सुना, उनसे हम बात रखी भाई, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जो किसान साथियों को पिटाई की थी। और हमेशा कांग्रेस पार्टी एक रहेगी, छत्तीसगढ़ बिरादरी की पार्टी है ना, कभी ऐसी तो हम कोई सोच भी सकता किसी।
ठीक है आप मेरे साथ बने रहिए। सुखबीर कटारे जी मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी से रमन मलिक भी जुड़ गए फोन लाइन पर, स्वागत है आपका रमन जी। जी मीडिया पर मेरे साथ सुखबीर कटारिया हैं जिनकी तस्वीरें आई हैं सामने अजय यादव के साथ बहसबाजी के सामने, लेकिन सुखबीर कटारिया कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है पार्टी में। देखिए दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट हैं, ये इनकार नहीं करा जा सकता कि सुखबीर जी इंडिपेंडेंट थे और मंत्री बने, और जिस प्रकार से कैप्टन अजय यादव है उनका व्यक्तित्व भी इग्नोर नहीं करा जा सकता। पर बात यही है कि कांग्रेस तो हमेशा ही 36 टुकड़ों की बिरादरी रही है, 36 बिरादरी इकट्ठी नहीं रही है कांग्रेस में। कांग्रेस में हमेशा एक दबका अपने आप को सर्वोत्तम मानता है और वही चलाता आ रहा है। अब ये जो बात आज आप गुड़गांव की कर रहे हैं, गुरुग्राम की, तो ये पूछना चाहिए इनसे कि जो ये सड़कों पे घूम रहे थे मर जाए खट्टर मर जाए मोदी कहते हुए, मतलब ये शोभा देने वाली बातें हैं? ये बातचीत करने का लहजा है? ये कटारिया साहब के हैं वीडियो, अगर चाहें तो मैं भेज दूंगा। मगर आपने किसी का विरोध करना है आप विरोध करिए, विरोध करने में कोई मनाही तो नहीं है, लेकिन आप किसी को मर जाए बोलोगे, ये आपका व्यक्तित्व दिखाता है। और यही कांग्रेस का व्यक्तित्व है कि जैसे अशोक तंवर जी के सर पे लाठी भाजी थी, तो ये कोई नई बात थोड़ी है कांग्रेस के अंदर। सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया था, कोई नई बात है क्या? ठीक है, तो रमन जी सवाल उठा रहे हैं, सुखबीर कटारिया जी कह रहे हैं कि ये तो पहली बार नहीं, ये तो चलता आया कांग्रेस पार्टी में इस तरह से वर्चस्व की आपस में लड़ाई। हेलो कटारिया जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी। रमन जी को सुना आपने, सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ नई बात नहीं है, ये कोई पहले भी वर्चस्व की लड़ाई इसी तरह से चलती रही है। देखो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में ना हर आदमी को हक है, और जो प्रजातंत्र में जो सरकार शासन में है नेचुरल बात है उसके खिलाफ ही प्रदर्शन किए जाएंगे। देखो तो इसमें तो रमन जी को बुरा भी नहीं मानना चाहिए। चलिए ठीक है, मेरे साथ मेरे सहयोगी विनोद भी जुड़े हैं, वो भी सवाल कुछ करना चाहते हैं। विनोद कटारिया साहब, मैं विनोद लांबा बात कर रहा हूं और आपसे सीधा एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि आखिरकार इस वीडियो में आपका जो विवाद था, आप कह रहे हैं कि लड़ाई नहीं है सीनियर हैं, तो जो हमें समझ में आता है कि आखिरकार ज्ञापन डीसी को सौंपेगा कौन? क्या आप उनके पीछे नहीं खड़ा होना चाहते थे या वो आपके साथ नहीं चलना चाहते थे? पहले थोड़ा वो तो साफ कर दीजिए। लांबा साहब देखो हमारे आदरणीय हैं कैप्टन साहब, हमेशा रहेंगे। जो सीनियर आदमी ज्ञापन हमेशा सीनियर आदमी सौंपता है, इसमें तो कोई शक शुबा है नहीं ना हमारे ऐसी वो। हम तो कोई भी हमारा सीनियर होगा नेचुरल बात है, हम तो चारपाई पे भी पीछे बैठते हैं, हमारे संस्कार ऐसे हैं, जो भी हमारे सीनियर हो हम तो पायताना बैठते हैं और आगे वही बैठते हैं, हमेशा आगे वही रहेंगे। तो हमारे तो कोई वो है ही नहीं पाता इस वीडियो के बाद। इस वीडियो के बाद जो हम कटारिया साहब इस वीडियो के बाद जो हम समझ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ठीक है ऐसा नहीं है, क्या आपकी और कैप्टन अजय सिंह यादव साहब की सुलह हो चुकी है? अरे नहीं, हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई ना, जिंदगी में सोच भी सकते हैं, हम तो कमाल है, हम तो कभी ऐसी बात सपने भी नहीं सोच सकते। कमाल है, आदरणीय हमारे बड़े हैं, हमेशा बड़े रहेंगे। हाँ इस बात से सोचो ही मत कभी कांग्रेस पार्टी और ना हमारे ऐसे। और एक विषय क्या था आप? है जी हेलो कटारिया साहब, ये तो कोई छुपा हुआ रहस्य नहीं है कि जिस तरह से बात की जाए शैलजा घोटाला गया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा घोटाला गया है, कुलदीप बिश्नोई अलग चलते हैं। नहीं लामा साहब ऐसी कोई बात नहीं, उसमें कोई ये गलत किसी ने वो किया है भाई, कैसे वो कोई आराम से हम आए सारे प्रदर्शन पे आए सब इकट्ठे होके डीसी साहब को दिया, उन्होंने कहा भी बात सुनी, कैप्टन साहब ने कहा भी ऐसे हमारे किसान साथियों को पीटा है और बेनामी से पीटा उसके खिलाफ कार्रवाई की, नेचुरल बात है। अब भाई उस अफसर के खिलाफ जरूर होनी चाहिए उससे जांच हो, और निश्चित रूप से एक किसानों के प्रति भी जो बेचारे भूखे प्यासे बैठे हैं उनके प्रति भी हर छत्तीसगढ़ी की सहानुभूति है हमेशा। तो ये बात की और तो भाई आज ऐसे कोई बात नहीं, मैं तो अचंबा सोच रहा हूँ कि कोई ये लेके बोले भाई उनसे, आज तक हमने कभी किसी से कोई ऐसी बदतमीजी, हम तो ये तो हमारी पार्टी के सीनियर आदमी, हम तो दूसरी पार्टी के बदतमीजी करते हैं। रमन मलिक जी को भी जवाब दे दीजिए, उनके आपके दो शब्दों से ऑब्जेक्शन था कि मर जाए मोदी मर जाए खट्टर, ये शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं उसी के तौर पर रमन मलिक साहब आप पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं नहीं मलिक साहब, हमने तो सब ये कहा था भाई
हमेशा देखो जो पार्टी के विरोध रूलिंग पार्टी है तो नेचुरल बात है उसके मुर्दाबाद होते हैं। देखो मुर्दाबाद ठीक है, मर जाए खट्टर, मर जाए मोदी के सब रास्ते निकाले, मैं वीडियो आपको भेज सकता हूँ। रमन मलिक कह रहे हैं उनके पास वीडियो भी है। कटारिया साहब, क्या इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था आप लोगों की तरफ से? अरे नहीं, हम क्यों करेंगे जी, आप सब आदमी हैं, हम क्यों करेंगे? मैं आपके चैनल को भेज देता हूँ, मैं आपके चैनल को भेज देता हूँ जी। लांबा साहब, मैं आपको भेज देता हूँ, इनका पोस्ट वीडियो बना कर रहे हैं जो वीडियो हमारे पास। बिल्कुल मलिक साहब, मैं वही कटारिया साहब से पूछ रहा हूँ, एक वीडियो हम चला रहे हैं जहाँ आपकी उसमें बहस हो रही है, आप कह रहे हैं कि ऐसी बहस ही नहीं हुई, एक दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, तो फिर आप किस दावे के साथ कह सकते हैं कि रोहतक में लाठी चार्ज हुआ था? आप भी तो वीडियो के आधार पर ही कह रहे हैं ना कटारिया साहब। चलिए ठीक है, सुखबीर कटारिया ने फोन काट दिया, वो अब हमारे साथ नहीं है विनोद, लेकिन देखिए सवाल कई है और दोनों ही वीडियो, जिस वीडियो का जिक्र रमन मलिक कर रहे हैं और जो वीडियो हम लगातार दिखा रहे हैं, उन दोनों ही वीडियो से इनकार किया जा रहा है सुखबीर कटारिया की तरफ से कि ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन तस्वीरें जो आई हैं सामने वो कुछ और ही बयां करती हैं। कांग्रेस की कल है एक बार फिर से गुरुग्राम से आई है सामने, वर्चस्व की लड़ाई से कहेंगे, जो कि कैप्टन अजय यादव और सुखबीर कटारिया के बीच देखने को मिली। सुखबीर कटारिया से जब सवाल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल कर रहा है तो कुछ ही सवालों का जवाब देकर सुखबीर कटारिया चले गए और सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए, विनोद आपका भी शुक्रिया इस पर जानकारी और ज्यादा लेने देने के लिए। लेकिन देखिए सवाल इसके बाद अब कई सारे उठ चले हैं कि क्या इसी तरह से विरोध कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस, जो कि पहले से ही बिखरी हुई है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।